जनपद संभल के चंदोसी रेलवे जंक्शन पर अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में कई वर्षों के लगातार बनी हुई नगर की प्रमुख समस्या रेलवे क्रॉसिंग 36B पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण हेतु नगर अध्यक्ष अनुज बाजड़े अनु के साथ पदाधिकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे महाप्रबंधक मुरादाबाद को चंदोसी स्टेशन अधीक्षक हरभजन सिंह के माध्यम से ज्ञापन दिया। फ्लाईओवर की मांग को लेकर पूर्व में भी अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने भीषण जाम की समस्या को लेकर कई बार संघर्ष किया और अनशन किए। आज इसी परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार से फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 2 किस्त रुपए भी भेज चुके हैं। अब रेलवे प्रशासन द्वारा फ्लाईओवर निर्माण की प्रतिक्रिया में ढील दी जा रही है। अभी तक रेलवे प्रशासन द्वारा टेंडर तक नहीं निकाला गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। रेलवे प्रशासन इस समस्या को बहुत हल्के में ले रहा है। इस समस्या से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि व्यापार मंडल तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक फ्लाईओवर की सभी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, आगे उग्र भी होगा। नगर अध्यक्ष अनुज वाछड़े अनु ने कहा कि रेलवे प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा। जब सरकार द्वारा इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है तो रेलवे गहरी नींद में क्यों सोया हुआ है। अगर अब रेलवे द्वारा इस प्रतिक्रिया में ढील दी गई तो व्यापार मंडल भूख हड़ताल कर प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। नाम आशीष तूफानी है। आज आपने रेलवे अधीक्षक के को एक ज्ञापन दिया है, जी। मामला ये है कि उद्योग व्यापार मंडल जो हमारा है वो काफ़ी सालों से इस संघर्ष को कर रहा है और इसकी जो 2 किस्तें आ भी चुकी हैं, लेकिन रेलवे की लापरवाही ये जो चल रही है, क्योंकि सारे जो स्कूल हैं और जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी उधर 36B फ्लाईओवर के पास ही ये हो रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर अब आगे भी कार्रवाई, अगर ऐसी लापरवाही चलती रही रेलवे प्रशासन की, तो हमारा उद्योग व्यापार मंडल आगे भी ठोस कदम उठाने के लिए बाधित होगा। इसलिए आज हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्य प्रबंधक रेलवे नई दिल्ली के एक ज्ञापन भेजा है। उसमें हमने ये कहा है कि 36B फ्लाईओवर को जो है वो सरकार द्वारा पास हो चुका है, वो इसके बावजूद भी 2 किस्तें सरकार द्वारा जो है भेजी जा चुकी हैं, लेकिन ये जो रेलवे प्रशासन है इसकी लापरवाही के चलते अभी तक इसका टेंडर तक पास नहीं हुआ, जिसको लेके व्यापारियों के साथ साथ आम जनता में भी रोष है। हम ये चाहते हैं कि इसका कार्य 36B फ्लाईओवर का शीघ्र ही शुरू किया जाए, क्योंकि जब ये सरकार द्वारा पास हो चुका है और सबके सामने जो है वो क्षेत्र की समस्याएँ, इस फाटक से 36B रेलवे फाटक से जो समस्याएँ पैदा हो रही हैं वो सबके सामने हैं। इसको देखते हुए सरकार ने जो है इसको पास भी किया, माननीय हमारी मंत्री जी ने जो है इसमें सहयोग दिया हम व्यापार मंडल का, और ये पास भी हुआ। लेकिन अब जो है वो रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से इसका कार्य शुरू नहीं हो पा रहा, इसलिए आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मांग की है रेलवे प्रशासन से इसका कार्य जो है वो शीघ्र ही शुरू किया जाए।